বর্তমানে লাকি একজন না কোটিতে একজন বললে ভুল হবে, এমনই একজন মানুষ যার কবরটি বর্ষার টাইমে ভেঙে গেছে। কখন দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য কবর থেকে সেন্ট আসছে। চলেন তাহলে ভিডিওটা দেখে নিই, ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ওয়ারিয়ান্স, ওয়েলকাম টু এমডি ব্রাদার ইসলাম চ্যানেল। ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের করাচি বালদেয়া টাউনের একটি কবরস্থানে। বর্ষার টাইমে অনেকগুলি কবর ভেঙে গেছে, কিন্তু ওই ব্যক্তির কবর, জমি মাইলি নেই হতি জমন মাইলা নেই হতা মোহাম্মদ কা গোলামো কা কফন মাইলা নেই হতা, সুবহানাল্লাহ। তিনি হাফিজে কোরআন ছিলেন, তিনার কাফন যেমন দাফন করেছিল তেমনই আছে, সুবহানাল্লাহ। হয়তো কাফনের ভেতরে লাশটিও টাটকা আছে। দেখুন সেই ভিডিওটি, দেখুন সেই দৃশ্যটি, আশ্চর্যকর। कितने महीने हो गए थे भैया? चार महीने में दस दिन कम। चार महीने में दस दिन कम हो चुके थे इस कब्र को, और ये बारिशों की वजह से टूट गई थी। आपको मैं दिखाता चलूं कि ये कब्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से कब्र के अंदर कफन जो है वो भी ज़रा सा मैला नहीं हुआ है, और माशाल्लाह से कब्र के पास से इतनी खुशबू आ रही है। ये अल्लाह की करामतें हैं कि चार महीने का जो वक्त गुजरा है उसके बाद भी जो इंतकाल कर गए हैं उनकी कब्र पे ज़रा सा भी हल्का सा भी कोई इस तरह का निशान उनके कपड़ों तक भी नहीं है। और ये जो शख्स जिनकी मैंने आपको अभी कब्र बताई, ये माशाल्लाह से हाफिज़े कुरान थे, शुगर के मरीज़ थे, इनका इंतकाल हुआ था। तो ये बारिशों की वजह से जो तबाही हुई थी उनमें इनकी कब्र का जो था वो टूट गई थी पूरी कब्र, और मैं आपको दोबारा भी उसी जगह लेकर चलूँ। ये आप देख सकते हैं कि इनके जो लवाहिकीन हैं वो इस टाइम कब्र की मरम्मत कर रहे हैं, और माशाल्लाह से ये इसके अंदर आपको मैं दिखाता चलूँगा। यहाँ से माशाल्लाह बड़ी खुशबू भी आ रही है कब्र के अंदर से, और ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह से ये कफन जो है उस पर ज़रा सी मिट्टी भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं लगी है माशाल्लाह से। और मैं इतना करीब हूँ, इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कब्र में से इतनी खुशबू आ रही है, वरना इंसान के जिस्म से ऐसी बदबू आती है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ से फूलों की खुशबू आ रही है। तो अल्लाह ताला इन मरहूम के साथ जितने भी यहाँ पे लोग दफन है, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़रत फरमाए, उन सब की आखरत को बेहतर फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे हमारा खात्मा अता फरमाए। ये होते हैं माशाल्लाह हाफिज़े कुरान, अल्लाह की शान है ये, और ये अल्लाह की तरफ से एक इंसान के लिए मौजज़ा भी है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि लोगों के लिए एक मैसेज है, जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वो पूरा कब्रिस्तान है। शुक्रिया।